हेलो एवरीवन, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ बोटमैन रोज 1 किलोमीटर इन 5 मिनट्स अलोंग द स्ट्रीम एंड 6 किलोमीटर 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज अलोंग द स्ट्रीम बोला है मैंने, बोला है अलोंग द स्ट्रीम मतलब कि डाउन स्ट्रीम। जब बोट और स्ट्रीम, नाव और धारा सेम डायरेक्शन में चल रहे हों तो अलोंग द स्ट्रीम कहा जाता है, यानी कि डाउन स्ट्रीम कहा जाता है। और राउंड स्ट्रीम दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 किलोमीटर चलता है 5 मिनट में। अब इस मिनट को हमको आर में कन्वर्ट करना होगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 5 यानी कि 12 किलोमीटर पर आर ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है, 6 किलोमीटर इन 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि अपस्ट्रीम बोला है। जब बोट और स्ट्रीम अलग अलग डायरेक्शन में हो अपस्ट्रीम कहलाता है। 6 किलोमीटर बोला है 1 आवर में, ये तो ऑलरेडी 1 आवर दिया ही हुआ है, तो 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये। अब क्या पूछा है, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, स्ट्रीम का स्पीड निकालना है। ये मैंने बताया था जब स्ट्रीम का स्पीड निकालने बोले तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा आंसर 3 किलोमीटर पर आवर। ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ सम ऑफ ₹12,500 अमाउंट्स टू ₹15,500 इन 4 ईयर्स। ठीक है यहाँ तक के, तो 12,500 का सम था यानी कि प्रिंसिपल क्या बन गया, 15,500 बन गया, यानी कि ये होता है अमाउंट कितने टाइम में, 4 ईयर्स में। तो हमारा ऐसा ही निकल जाएगा, 15,500 में से 12,500 माइनस करेंगे तो 3,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है क्वेश्चन में, तो पहले तो SI ऑफ 1 ईयर निकाल लेते हैं। कैसे निकलता है, 3,000 में से इस 4 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, ये 750 आएगा। अब परसेंटेज निकालना है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी निकालना है, तो ये 750 नीचे जाएगा, ये प्रिंसिपल 12,500 इंटू 100, 2 जीरो से ये कट जाएगा, 25 से ये कटेगा, पच्चीस तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 6%। इजी था पर इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50%, by what fraction must its consumption be reduced so as to keep the same expenditure on its consumption? ये ध्यान रखिएगा, what fraction बोला है यानी कि fractional decrease हमको निकालना है consumption में, कितना कम consumption करें क्योंकि commodity का price बढ़ गया है, तो निकालना है fractional में। तो कितना बड़ा है, 50% बड़ा है ये फॉर्मूला है, और 100 + R यानी कि 100 + 50, तो 50/150। बस यही आंसर है इस क्वेश्चन का, इजी था ये। बस ये ध्यान रखना है कि फ्रैक्शन बोला है तो फ्रैक्शन में निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द प्राइस ऑफ राइस रेज बाय 25%, द परसेंट बाय विच अ हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ राइस सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन राइस इज। अब ये बढ़ा कितना है, अब हमको सेम चीज करना है इसमें भी, लेकिन इसमें बोला है परसेंटेज में, तो परसेंटेज डिक्रीज ये कैसे निकालेंगे, कितना परसेंट बढ़ गया राइस की कीमत, 25%, 100 + 25 यानी कि 125। अब परसेंटेज है तो 100 तो लगाना ही होगा, 25 से तो ये जाएगा 20% आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस क्या है दोनों में। अ स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू गेट थ्रू। इफ़ ही गेट्स 40 मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स, देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स सेट फॉर द एग्जामिनेशन। मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स 100 है, 40% मार्क्स चाहिए है पास होने के लिए, और एक स्टूडेंट को मिला है 40 मार्क्स और फेल हो गया 40 मार्क्स से, तो 40 ऐड कर लेते हैं। अब इस 40% की वैल्यू हो गई 80 के बराबर, हम लोगों को चाहिए मैक्सिमम मार्क्स 100% यानी कि
तो 100% की वैल्यू हो गई 100 इंटू 80 अपॉन में 40, तो 42 80 हो जाएगा, तो आपका मैक्सिमम मार्क्स आ गया 200, यही हमारा आंसर है। तो गाइस अब मैं DI के लेक्चर लेकर आऊँगी आज से ही, तो आप लोग वीडियोस पर बने रहिएगा, ठीक है? फिर DI के सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।